आप देख रहे हैं जेपीटी लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता। बिग बॉस सीजन 16 के विनर एम्स स्टैन ने एक और रिकॉर्ड ब्रेक किया है। कुछ दिन पहले एम्स स्टैन ने विनिंग पोस्ट के लाइक से विराट कोहली का रिकॉर्ड ब्रेक किया था, तो वहीं अब शो जीतने के बाद एम्स स्टैन पहली बार इंस्टा लाइव आए। इंस्टा लाइव आते ही स्टैन ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। शो जीतने के बाद एम्स स्टैन करीब 10 मिनट के लिए इंस्टा लाइव आए थे। लाइव वीडियो में अपने डायलॉग्स पिचाम बेबी, पी टाउन, शेमड़ी और रावस जैसी डायलॉग्स भी कहे। उन्होंने ये भी कहा कि बिग बॉस में एक वक्त ऐसा भी था जब वह उदास हो गए थे। उन्होंने कहा कि वह दिखावा नहीं कर पाते, अगर दुखी हैं तो दुखी हैं और खुश हैं तो खुश हैं। उन्हें बिग बॉस से बहुत कुछ सीखने को मिला। सलमान खान से वह काफी ज्यादा प्रेरित भी हुए। इतना ही नहीं, एम्स स्टैन को पाकिस्तान से भी फैंस का प्यार मिला। कमेंट्स बॉक्स में कुछ यूजर्स ऐसे थे जिन्होंने लिखा था वह पाकिस्तान से हैं और वह एम्स स्टैन को बहुत प्यार करते हैं। वहीं हेटर्स के लिए स्टैन ने कहा कि वह ऐसे लोगों को इग्नोर करते हैं। इसके बाद उन्होंने अपने नए गाने को हल्का सा गुनगुनाया और इंस्टा लाइव में देखते ही देखते इतने सारे फैंस और सेलेब्स जुड़ गए और एक बार फिर एम्स स्टैन ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। आपको बता दें, एम्स स्टैन के लाइव व्यूज सोशल मीडिया पर मात्र 10 मिनट के अंदर ही 541K हो गए। चंद मिनट में इतने ज्यादा व्यूज होने वाले एम्स स्टैन पहले भारतीय सेलिब्रिटी बन गए हैं। यहाँ तक कि अपने इस नए रिकॉर्ड से एम्स स्टैन ने शाहरुख खान को भी पीछे छोड़ दिया है। शाहरुख खान के इंस्टा लाइव पर करीबन 255K व्यूज ही आते हैं। इतना ही नहीं, बिग बॉस के कंटेस्टेंट को भी काफी ज्यादा मार्जिन से पीछे छोड़ दिया है। आपको बताते चले कि इंस्टा व्यूज में एम्स स्टैन ने पैन इंडिया टूर का भी अनाउंसमेंट किया। रैपर के पैन इंडिया टूर के अनाउंसमेंट करते ही मुंबई और पुणे के टिकट्स कुछ मिनटों में ही सारे बिक गए। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बिग बॉस के पहले और बाद में एम्स स्टैन की पॉपुलैरिटी कितना ज्यादा बढ़ गई है। वेल, आपके इस खबर पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और एंटरटेनमेंट की ऐसी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहें जेबीटी लाइव के साथ। नमस्कार।